शहर में चल रहा है ड्रग्स का कारोबार, तो मुंबई पुलिस भी है खबरदार। 52 लाख का MD ड्रग्स के साथ विक्रेता हुआ गिरफ्तार, घाटकोपर टीम को मिली सफलता। जोगेश्वरी पश्चिम डायमंड हॉस्पिटल के पास एक्सेल इंडस्ट्री रॉयल कोर्ट बिल्डिंग कंपाउंड में पीछे की तरफ एंटी ड्रग्स स्क्वाड घाटकोपर यूनिट के प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय चौहान अपने पथक के साथ कश कर रहे थे कि एक व्यक्ति के पास से उन्हें बड़ी मात्रा में MD ड्रग्स मिला। सूचना के अनुसार दो शख्स यहां पर मेफेड्रोन ड्रग्स बेचने और सप्लाई करने आए हुए थे। कार्रवाई के दौरान एक अपराधी भाग निकला, लेकिन जुनेद कुरेशी नाम के ड्रग्स पेडलर को पुलिस ने धर दबोचा, तो उसके पास से 260 ग्राम MD बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 52 लाख बताई जा रही है। ज्ञात हो MD ड्रग्स एक जानलेवा मादक पदार्थ है, जिसे मेफेड्रोन, न्यू व्हाइट मैजिक, MCAT जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। तो सेवन करने वालों के दिमाग पर वो सीधा असर करता है, जिससे डिप्रेशन, मदहोशी, उच्च रक्तदाब ऐसे कई भयंकर परिणाम शरीर पर होते हैं। इस अवैध गैर कानूनी ड्रग पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ड्रग माफिया शहर में आज भी अपने बुरे इरादों से साथ सक्रिय है। बहरहाल मुंबई पुलिस के घाटकोपर एंटी ड्रग्स यूनिट ने अपनी धड़क कार्रवाई से आशा की किरण जगाई है, तो बरामद ड्रग्स को जब्त कर अभियुक्त को 2 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आगे की जांच प्रभारी पुलिस निरीक्षक चौहान के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक नीलेश भालेराव कर रहे हैं। मुंबई से साजिद अली कुरैशी के साथ हमारा मुद्दा डेस्क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।